हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक ऑन चैनल। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30 और अभी उठे हम लोग। तो मेरे साथ है मनोज भाई। मनोज भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। बहुत थक थक गए थे, बहुत ठंड में इतनी थी कि भाई जी पूछो मत। एक तो बाइक राइडिंग में रात को मुश्किल था, लाहौल स्पीति से आना, फिर भी आपने हिम्मत दिखाया भाई के साथ। तो रात को लगभग हम 10 बजे पहुँचे यहाँ मनाली में। अभी रुके हम लोग होटल नवीन में, तो बस सब चेकआउट करने वाले हैं थोड़ी देर में। अब आगे का प्लान है हमारा, कहाँ जा रहे हैं? क्लाथ हॉट स्प्रिंग में, थोड़ा सा वशिष्ठ भी जा रहे हैं। वशिष्ठ चले? हाँ वशिष्ठ भी। हाँ तो देखते हैं कौन सी डेस्टिनेशन जाएंगे, तो फिर चलते हैं वहाँ के लिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और ये बैटरी, अरे इसको तो चार्ज किया था। अच्छा चार्ज नहीं किया था इसको, मैं भूल गया था चार्जिंग कम हो गई, तो बैटरी चेंज कर लेता हूँ। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली गाइज हम रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और बस चेकआउट करने वाले हैं। और आपको एक बारी बाहर का व्यू बता दूं मैं आपको, नवीन होटल के बाहर का व्यू, और बहुत अच्छा है बिल्कुल साथ में ENH के। और रूम तो आप देख ही सकते हैं कैसे रूम्स हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब चेकआउट करते हैं यहाँ से और आगे की जो डेस्टिनेशन है देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्लास जाते हैं कि कहाँ जाएंगे, और जहाँ दिल करेगा वहीं जाएंगे। तो जहाँ दिल करेगा वहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ से अभी जाने का दिल कर रहा है, तो यहाँ से जाते हैं, फिर ज़रा फ्रेश होके बढ़िया गर्म पानी का आनंद लेते हैं। ठीक है, जो हमारा रूम था ना बिल्कुल टॉप फ्लोर पे था, तो यहाँ से जो व्यू मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है। और ये देखिए ऐसा है बैक साइड को। सुबह का टाइम है, मनाली का मौसम है और आज भी मौसम बिल्कुल सही है। और ये है नवीन होटल मनाली। लिफ्ट अवेलेबल है रे यहाँ, तो लिफ्ट में आ सकते हैं, जा सकते हैं। मनोज भाई जी बोलो। तो हम लोग फाइनली चेकआउट करके निकल रहे हैं क्लाथ की ओर, जा रहे हैं वॉट का एंजॉय लेते हैं। किसका? हॉट स्प्रिंग वॉटर। यस बिल्कुल, लेना तो पड़ेगा क्योंकि रात को बहुत थकान हो गई थी। एंड देख सकते हैं अब लिफ्ट आ चुकी है हमारी और फाइनली लिफ्ट में बैठ चुके हैं। हमारे साथ एक बंदा है ना, अरे लेजी बंदा है, लेजी। एक घंटा तो आया नहीं है, तो लेट्स गो, हम ही चलते फिर। फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर ना, फर्स्ट पे। ओके यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, यू कैन स्विच फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। तो गाइस ये बाहर से आपको ऐसा मिलेगा होटल में भी, देखिए बहुत बड़ा होटल है। तो ये लगी हमारी बाइक के, तो अब थोड़ी देर मैं चलाऊंगा इसको, हिमालयन को थोड़ी देर राइड करूंगा, उसके बाद आगे का सीन बताते हैं आपको कहाँ जाएंगे। अब मेरे साथ कौन जाएगा? फिर तो भाई आप जाएंगे मेरे साथ, चल है ना। लो मैं चलाऊंगा अपना थोड़ी देर, फिर बनाओ जरा इधर क्या चाहिए। ओके चलते फिर राइड पे, है ना मनोज भाई। मनोज भाई एक मिनट हो, मेरे को तो निकालना है भाई। अच्छा राइड आप कर रहे हैं? थोड़ी देर करते हैं राइड, राइडर चेंज होते हैं फाइनली। ऑन ऑन है अभी, इधर करो तो यहाँ कर दिया बंदा आपने, मेरी तरफ करो एक मिनट। तो चलते हैं अभी, देखते हैं आगे क्लास का सीन, थोड़ी देर राइड करते बाइक को। आ जाओ कर दो बंद। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं मनाली से और अब जा रहे हैं क्लास को, तो अभी मैं राइड कर रहा हूँ बाइक को। तो कल से बाइक राइड नहीं की थी, फाइनली अब जाके थोड़ा सा मूड बना राइड करने का, तो अभी इस बाइक का ऐसा ना ही। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं क्लास में, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द टेम्पल और ये है शिव मंदिर।
और यहाँ जो है नहाने के लिए आना इस बारे में है क्या मन ऋषि का टेम्पल नहीं है सेल्फीज ले सकते हैं आप खरगोश के साथ है ना तो ये है मंदिर कृपया जूते यहाँ उतारे जूते वगैरह आप यहाँ उतार सकते हैं अपना जो सामान है और तो उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं अंदर है आप थोड़ा चेंज कर दिया ना जय हो तो गाइस हम जा रहे हैं मनोऋषि का टेंपल में तो ये अंदर है ना जय हो मनोऋषि तो ये देख सकते हैं आप मनोऋषि का टेंपल और अंदर इनकी जो प्रतिमा बनाई गई है हाँ हाँ आ गया यहाँ भी गर्म पानी है जैसा कि मणिकर्ण में सेम थिंग यहाँ भी है तो यहाँ से ये देखिए मनोऋषि का मंदिर और इसके साथ में है ये खूबसूरत ये देख सकते हैं कुंड और यहाँ से गर्म पानी आता हो इधर से एंड ये जो है ऋषि जी की है जो मूर्ति है आप देख सकते हैं तो ये हमारे मनोज भाई कैसा लग रहा है आपको फाइनली मेरे को ऐसा फील लग रहा है कि मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ कल से सोच रहा हूँ कब तक हम गर्म पानी में पहुँचेंगे और गर्म पानी का आनंद लेंगे ये विशिष्ट है हॉट स्प्रिंग वाटर तो कुछ बताइए विशिष्ट के बारे में किसकी भूमि है ये तो ये हमारे बच्चों के बाद है ये हमारे यहाँ के जो है ना मनोऋषि जोगनी वाटरफॉल यहाँ से क्लोज टू ये है वो भी बहुत अच्छा जगह है शिव मंदिर भी अंदर राम मंदिर भी है अंदर साथ में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था शिव मंदिर राम मंदिर भी है उसके बाद ये जो मंदिर है यहाँ मेन मंदिर है ये मनोऋषि का तो इसके बाद का हमारा ट्रैक रहेगा आगे का ट्रैक कहाँ रहेगा भाई आगे सोचिए कि हम थोड़ा सा ट्रैक करते हैं बाइक का तो बहुत ज़्यादा हो गया लंबा हाँ हल्का बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ट्रैकिंग ना थोड़ा ट्रैक करके जोगनी वाटरफॉल जाएंगे जोगनी वाटरफॉल तो अब इसके बाद जाएंगे जोगनी वाटरफॉल तो अगर आप मनाली हैं तो यहाँ ज़रूर आइए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और उसके साथ यहाँ देखिए मणिकर्ण वाली फील आपको मिलेगी और पानी एकदम बिल्कुल साफ़ है और इसके साथ ना यहाँ आप देख सकते कितना ही सुंदर ये कुंड बनाया गया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो ये था जो मनोऋषि का टेम्पल विशिष्ट तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे लोग आते हुए और यहाँ जो है हॉट वाटर थेरेपी का आनंद लेते हुए तो गाइस अब मिलूँगा आपको मैं थोड़ी देर बाद आगे का जो ट्रैक रहेगा तो उसमें मिलूँगा आपको तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस और ये लगे हैं यहाँ बाइक की हमारी तो ये है मार्केट यहाँ विशिष्ट का तो यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं जैसे क्लोथ हो गए और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यूनिक चीज़ें जो कि मनाली में मिलती है और जैसे कि पेंडेंट स्टोन और ये कश्मीरी सूट एक्सेट्रा तो अब निकल रहे हैं यहाँ से गाइस अब देखते हैं आगे का ट्रैक हमारा कहाँ है तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के पास तो ट्रैफिक भी हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि रोड बहुत कंजेस्टेड है तो मैंने यहाँ लगाई थी बाइक पे बाइक पर तो हाँ आ रहा हूँ नीचे तो यहाँ अब लगा सकते हैं पेड़ पार्किंग 40 रुपये पर और के हिसाब से तो यहाँ लगे अपने हिमालयन वाई कहाँ गए
पार्किंग वाले, उधर तो कोई है ही नहीं।